ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। व्हाट आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस? नाउ ऑफनली इट इज इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द एलिमेंट दैट कॉजेज द नॉर्मल स्ट्रेस टू बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। पॉइंट इज दैट कि जो कल हमने प्लेन एक थीटा प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकाली थी, लाइक दिस वी हैव टेकन अ थीटा, वी हैव रोटेटेड एन एलिमेंट बाय एंगल थीटा, यानी कि हमको एक प्लेन मिला उस एंगल थीटा पर जिसको हमने एक्स डैश और वाई डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, एक्स डैश और वाई डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पर ये जो एक्स डैश है और ये जो वाई डैश है, यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट करी है, यानी परपेंडिकुलर टू दिस माय स्ट्रेसेस विल बी सिग्मा एक्स डैश एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन माय स्ट्रेसेस आर सिग्मा वाई डैश, लाइक दिस। नाउ इस तरीके से जब हम इसे थीटा से रोटेट करेंगे तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स व्हेन वी विल रोटेट दिस प्लेन बाय एंगल थीटा। आप थीटा की वैल्यू 0.1 डिग्री रखो, 0.2 रखो, ऐसे करके आप जैसे जैसे सब्सटीट्यूट करते जाओगे तो आई विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स। इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स में कोई एक ऐसा एंगल मिलेगा जहां पर मुझे सिग्मा एक्स मैक्सिमम मिलेगा। ओके, मुझे सिग्मा एक्स मैक्सिमम मिलेगा, सिग्मा वाई मैक्सिमम मिलेगा, और सिमिलरली मिनिमम वैल्यूज भी मिलेंगी इनकी, सिग्मा एक्स मिनिमम एंड सिग्मा वाई मिनिमम। ओके, तो जब मुझे ये एंगल थीटा ऐसा होगा जिन पे मुझे इनफाइनाइट प्लेन्स मिलेंगे जहां पर मेरी सिग्मा एक्स की और सिग्मा वाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो आई हैव टू फाइंड दैट प्लेन। तो इन ऑफन इट इज इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड दैट प्लेन, बिकॉज फेलियर जो होगा जब वो प्लेन का हम जो फेलियर प्लेन निकालेंगे या पता करेंगे तो वो मैक्सिमम स्ट्रेसेस पर ही फेल करेगा। तो इसलिए हमको उन उस प्लेन की लोकेशन या ओरिएंटेशन पता होना इट्स इम्पोर्टेंट। टू डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन हम क्या करेंगे, हम सिंपल सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू जो हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे एंड वी विल पुट इक्वल्स टू जीरो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जो हमारी पहली इक्वेशन थी ये सिग्मा एक्स डैश, ठीक है, हम सिग्मा एक्स डैश मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं और वो किस किस एंगल थीटा पर लाई करेगा, तो उसके लिए व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डिफरेंशिएट सिग्मा एक्स डैश विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस वी विल गेट दिस एंड देन वी विल इक्वेट दिस इक्वेशन टू इक्वल्स टू जीरो। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट टेन टू थीटा पी वैल्यू दैट विल कम आउट टू बी टाउ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशिएशन इक्वेशन एंड इक्वेटिंग इट टू जीरो, वी विल पुट दिस ऑल इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो एंड वी विल गेट दिस टेन टू थीटा पी डिवाइड बाय टेन टू थीटा पी इज इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू। ओके, देन व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन, वी विल गेट टू थीटा वैल्यूज दैट इज थीटा पी वन एंड थीटा पी टू विच आर 90 डिग्री अपार्ट। ओके, एंड टू थीटा पी वन एंड टू थीटा पी टू विल बी 180 डिग्री अपार्ट। ओके, नाउ व्हेन वी प्लॉट दिस थीटा वैल्यूज ऑन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, नाउ वाई एक्सेस रिप्रेजेंट टाउ, दिस इज शियर स्ट्रेस, एंड ऑन एक्स एक्सेस वी आर रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल स्ट्रेस।
when we have plot the two theta p1, so we can write tan 2 theta p1 is what? Perpendicular upon base, that means tau xy. So this value is tau xy and this value is sigma x minus sigma y by 2, that means sigma x minus sigma y by 2 divided by 2. Okay, similarly we have plotted for negative shear stresses and normal stresses. So this angle is 2 theta p2. Now we can clearly see that the difference between 2 theta p2 minus 2 theta p1 is 180 degrees. Okay. Now substituting these theta values in the equation 1. Now once we have calculated theta p1 values, theta values, then we will substitute these theta values into our equation 1 in this equation. Here I'll substitute 2 theta p1 value, 2 theta p2 value, and I'll calculate sigma x dash. So when I'll calculate sigma x dash, I will come to derive this equation sigma 1 comma 2. Sigma 1 comma 2 means when I'll use this plus sign, I will write as sigma 1 like this, sigma x plus sigma y by 2 plus under root of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy whole square. Now for sigma 2, I can write sigma x plus sigma y by 2 minus sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy by. Now these sigma 1 and sigma 2 are known as principal stresses. What are these stresses are known as principal stresses, and the plane corresponding to which they belongs are known as principal planes. Okay. Now another important thing of these principal stresses is that when you substitute these theta p1 and theta p2 value in equation 1, you will get shear stresses equals to 0. Now our shear stresses equation was this tau xy this. When you substitute tan theta p1 value and tan 2 theta p2 value in this equation, you will get tau x dash y dash is equals to 0. Now what does that mean? It means that on a principal plane, you will be having shear stresses equals to 0. In other words, there will be no shear stresses acting on the principal plane. So whenever you are going to find out the principal stresses, which are maximum principal, there is major principal axis and minor principal axis. So this is my major principal stress and this is my minor principal stress, because we are using minus sign here. So we are subtracting this square root term from here. So we are getting two kind of stresses, major principal stress and minor principal stress. So whenever you are going to find out the major principal stress and minor principal stresses, you will come to know that there are no shear stresses acting on that plane. One thing. Another way of finding the principal stresses is that what you do, if you don't want to differentiate your equation one like this. So another method is that you can directly put tau x dash y dash equals to 0 and you can find out the theta from this equation. So this theta will be known as theta p1 and that will come out to be tan 2 theta p1 is equals to same tau xy divided by sigma x minus sigma y by 2. Now you can put this tan 2 theta p1 in this equation and you will get the sigma 1 and sigma 2 values. So you can do in both the manners. Now this is the
orientation, this is how we can represent sigma 1 and sigma 2. This is my sigma x and this is tau xy. This is sigma y and this is sigma y and this is tau xy. Okay. Now we have rotated this whole element by an angle theta p1. Now theta p1 represents the plane of principal stresses. Plane of principal stresses. So this plane, this x dash plane and this x double dash plane is representing my principal plane. So I'll get one major axis, sigma 1 is my, major stresses. So sigma 1 is my major stress and sigma 2 is my minor stress. Okay. Sigma x dash and sigma x double dash are my two stresses which are 90 degree apart. Which are 90 degree apart. Of course, they are 90 degree apart because these two planes will not change their angle. We are rotating the whole element by some angle theta p1. Now we would like to calculate the maximum shear stresses. Now till here we are saying that there are no shear stresses. Tau x dash and y dash equals to zero on this plane. Tau x dash and y dash equals to zero on this plane. Now there are no shear stresses. Only normal stresses are lying. On a principal plane, there will always normal stresses, no shear stresses. So there might be some plane where we will get maximum shear stresses. So to find out that, what we will do, we will differentiate the equation 2 with respect to theta, or this equation tau xy, we will differentiate it with respect to theta and equate to 0 because we want to find the maximum of tau x dash and y dash. So we will do this here. We will differentiate with respect to theta and equate to 0. After equating, we will get this 10 2 theta s. Now whatever theta we are getting is here, we are denoting this with s because we are finding the plane for maximum shear stresses. So this is the equation. Now again, this equation will have two roots. Means you will get 2 theta s1 and 2 theta s2. Now these are 90 degree apart. And of course theta s1 and theta s2 will be 45 degree apart. Now if you observe this very minutely or clearly, you will see that 10 2 theta p and 10 2 theta s is equals to minus 1. This is nothing but reciprocal. 10 2 theta s is nothing but reciprocal of 10 to theta p. Okay, this is reciprocal of this. So when you will write this, if you know from your mathematics, this is the equation for perpendicular lines. So this represents that maximum shear stress will be 45 degree from the position of an element that is subjected to the principal stresses. Okay. These two lines, these two planes, 2 theta p planes and 2 theta s planes are perpendicular to each other. This is 2 theta p and this is 2 theta s. If suppose I want to go for theta p 1 and theta s 1 only, we are not taking 2, then this will be 45 degree apart. So after getting 2 theta s1 value and 2 theta s2 value, we will substitute this in our equation 2. After substituting in the shear stress equation, we will get this tau max is equals to under root of this whole square plus tau xy whole square. So this is my tau max, shear stress maximum, which will lie perpendicular to the principal stress plane.
like this was our principal stress plane. This was principal stress plane. And perpendicular to this plane, we will have maximum, tau maximum, like this, tau maximum. When I'll put this theta 1, theta s value in my equation 1, means equation for normal stresses, I will get that my sigma average value is equal to sigma s plus sigma y 2. Hence, I can conclude from here that there is also average normal stress on the plane of maximum plane shear stress, where we are finding the maximum shear stresses, where we are finding the plane which have maximum shear stresses, there we also get average normal stress. Average normal stress whose value sigma x plus sigma y 2. ये कैसे ड्राइव किया हमने? अपने सिंपली थीटा एस की वैल्यू सिग्मा एक्स डैश में रख दी. व्हाटएवर द थीटा एस वैल्यू वी ऑब्टेन्ड, व्हाटएवर द दिस थीटा एस वैल्यू वी ऑब्टेन्ड, वी सिंपली पुट इन दिस इक्वेशन सिग्मा एक्स डैश इक्वेशन एंड वी विल गेट दैट सिग्मा एवरेज इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2. When we represented the shear stresses, this is on y-axis, I am representing my shear stresses, and on x-axis, I am representing sigma. Okay. This is my tau xy value, positive, this is negative because it's below the axis. And this is sigma x minus sigma y by 2, and this is minus sigma xy by 2. Now this angle is 2 theta s1, this angle is also internal opposite angle, so this is also 2 theta s1, and this whole angle of this plane is 2 theta s2.